Hello students, audience, guys and friends, how are you today? I hope that everyone is fine today. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे एफर्ट्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और जो मैं कंटेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं आपके लिए बेनिफिशियल एंड यूजफुल प्रूव हो रहा होगा। और यदि आपको कहीं भी ऐसा डाउट लगता है कि इस कंटेंट के अंदर या इस पॉइंट पर मुझे कुछ सस्पेंस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो और आप सभी के कमेंट्स में बहुत खुश होकर पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स में पूछे गए क्वेश्चंस पर मैं कोशिश करता हूँ कि उन पर टॉपिक जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। सो फ्रेंड्स, देखते रहिएगा और बने रहेगा मेरे साथ और एप्रिशिएशन एडमायरेशन देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको इट मीन्स एडमायरेशन एप्रिशिएशन रिकग्निशन और एक्नोलेजमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान शख्सियत ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि इंसान को लाइफ में सक्सीड करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी फीट खुद थपथपाए। जो इंसान अपने पीठ खुद थपथपाते हैं वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। और जो इंसान इट मीन्स किसी का मोटिवेशन पाकर इंस्पिरेशन पाकर या फिर किसी से एक्नोलेजमेंट मिलती है, एप्रिशिएशन एडमायरेशन मिलता है, किसी का रिकग्निशन मिलता है, तब वो काम को स्टार्ट करता है। तो आई थिंक दैट वो ऑलवेज डिपेंड ही रहता है। तो हमको अच्छे काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, मेरा सभी व्यूअर्स को यही मैसेज है कि देखिए, लाइफ में जो डिफिकल्टीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से हमको कोई अच्छे काम की शुरुआत कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ते जाएं। और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों को मिलाकर हमें अपने लाइफ में जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो अचीवमेंट हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ने बहुत अच्छी बात कही है फ्रेंड्स, कि खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, कि खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले जिसे ना ख्याल हो अपने हालात खुद बदलने का। सो देखो, एफर्ट्स तो हमको ही लगाना पड़ता है। और एक पागलपन की परिभाषा कही जाती है ये, कि कोई व्यक्ति वही काम करता रहे जो वो हर रोज करता आया है, हर रोज उसी काम को रिपीट करता रहे, उसी पर एफर्ट्स लगाता रहे जो आज तक उसने किया है, और फिर भगवान के सामने जाकर बोले, इट मीन्स उसके दरबार में, उसके टेंपल, चर्च, मस्जिद, जो भी जगह है, वहां जाकर कहे कि भगवान, खुदा, अल्लाह, मेरे हालात बदल दो। तो देखिएगा, वो सिचुएशन बदलती नहीं है। हालात तभी बदलते हैं जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और ये डेफिनेटली राइट थिंग है गाइज, कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। और प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये समझ लीजिएगा उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होने वाला है। सो प्रॉब्लम्स फियर नहीं होना चाहिए। आई थिंक देर आर टू काइंड्स ऑफ फियर। इट मीन्स यहाँ दो प्रकार का ही फियर होता है, एक लॉजिकल फियर होता है और एक इट मीन्स यू कैन से दैट फिजिकल फियर होता है। सो लॉजिकल फियर आई थिंक फेक फियर होता है, क्योंकि लॉजिकल फियर का कोई लॉजिक होता ही नहीं है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल फियर बोल देते हैं। क्योंकि मान लीजिएगा एक सिचुएशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि यू आर सिटिंग ऑन योर सीट एंड यू हैव टू से समथिंग ऑन द स्टेज। सो आपके अंदर फियर बनता है, तो फियर पर कैसे ओवरकम किया जाए, जबकि आप उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जानते हो, यू आर फुली एबल टू इट मीन्स एक्सप्लेन योर सेल्फ एंड टू से समथिंग ऑन दैट टॉपिक, इन स्पाइट ऑफ इट यू फील हेजिटेशन। तो वो चीज सब आप जानते हो, उसके बावजूद आप काफी हेजिटेट हो रहे हो, तो वो एक लॉजिकल फियर होता है, जो फेक फियर होता है, जो आपके माइंड को कैप्चर कर लेता है, तो वो फियर का कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है। हाँ, फिजिकल फियर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यदि कोई आपसे कहता है कि कोई ऐसा एक्शन आपको परफॉर्म करना है जिसमें आपकी लाइफ, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकता है, या और इट मीन से आप हर्ट हो सकते हो, स्ट्राइकिंग हो सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक फिजिकल फियर इज एक्चुअल फियर एंड लॉजिकल फियर यू कैन से दैट इंटेलेक्चुअल फियर इज फेक फियर। सो लाइफ में फियर का कोई स्थान नहीं होता है, यदि हमारे हौसले बुलंद होते हैं, यदि हम डिटरमिंड है, या फिर यू कैन से दैट यदि हम स्ट्रांग फील कर रहे हैं, यदि हमारी जो विल पावर है काफ़ी स्ट्रांग है, हम इंटेंसली काम करना चाह रहे हैं, या फिर डिजायरस हैं, तो आई थिंक दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल दिस वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स गाइज, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप वॉचफुली फोकस करोगे, इसको ध्यान से देखोगे। तो इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। अब सिंस और फॉर का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफी यूज करते हैं, लेकिन सस्पेंस कंफ्यूजन क्रिएट रहता है माइंड के अंदर कि सिंस का मीनिंग क्या है, फॉर का मीनिंग क्या है, सिंस कहाँ यूज किया जाए, फॉर कहाँ यूज किया जाए। तो इस कॉम्प्लेक्शन को मैं बहुत ईजी करने वाला हूँ। तो देखिएगा कि फॉर और सिंस दोनों का ही यूज टाइम की सेंस में होता है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है।
तो टाइम की सेंस में होता है, हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है कि सीन्स का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, इट मीन्स डेफिनेट टाइम के लिए करेंगे, या फिर हिंदी में बोले निश्चित समय के लिए करेंगे, और फोर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, इनडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, या अनिश्चित समय के लिए हिंदी में बोला जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये सब एक इल्यूजन है, एक डाउट क्रिएट करने वाली बात है, एक सस्पेंस और कंफ्यूजन बनाने वाली बात है, क्योंकि हमें इसको एक क्लियर वे से समझना चाहिए ताकि कोई डाउट ही ना बचे। ओके, क्योंकि अभी सस्पेंस ही रहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है, क्या चीजें हैं, या ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, तो काफी डाउट रहता है। तो यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि हमको डायरेक्टली उस चीज का कंप्लीट, इट मीन्स कंक्लूजन फाइंड आउट हो जाए कि भाई एग्जैक्टली इसको यहाँ यूज करना है, एग्जैक्टली इसको यहाँ यूज करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, और गारंटी देता हूँ कि आज इसके बाद से आपका ये डाउट डेफिनेटली इरेज हो जाएगा, माइंड से कभी डाउट होगा ही नहीं आपको। तो ऑनलाइन डिस्कशन से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, उसके बाद रिटन पेपर काम करेंगे। तो सिंस का यूज फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेजेंट में आप यूज करते हो, तो प्रेजेंट के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं। ओके, और सभी जानते हैं इस चीज को आप। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका यूज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी टाइम के सेंस में यूज होता है, और फिर परफेक्ट इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते आए हैं। लेकिन एग्जैक्टली बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस के अंदर 2 places पर ही यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम टाइम के सेंस में सिंस फॉर यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम टाइम के सेंस में सिंस फॉर यूज करते हैं, और पास्ट में हम 3 places पर, 3 जगह हम इसका यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में यूज करते हैं टाइम के सेंस में सिंस और फॉर का, पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं, और फ्यूचर में जैसे कि हमने प्रेजेंट में यूज किया है, फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं। तो मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि सिंस का यूज स्टार्टिंग टाइम के लिए होता है, स्टार्टिंग टाइम के लिए, और फोर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ आपके साथी ऐसे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो मूवी वॉच करना काफी, इट मीन्स एडमायर करते हैं, काफी लाइक करते हैं उस चीज को, कि उनको वीकली मूवी देखना पसंद होता है, जो इंस्पिरेशन से भरी मोटिवेशन वाली मूवी होती है तो वो तो खासतौर पर देखते ही हैं। तो मान लीजिए एक मूवी आने वाली है और वो आपको भी साथ लेके जा रहे हैं, तो आपको काफी इट मीन्स डोमेस्टिक वर्क है या फिर एजुकेशनल वर्क, काफी आपका प्रेशर है, होमवर्क है तो वो करना है आपको। तो आपका फ्रेंड कहता है कि चलो मूवी के लिए चलते हैं, बहुत इंस्पायरिंग है, एजुकेशन पर बनाई गई है, काफी बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है मूवी, तो इसको देखते हैं, वॉच करते हैं। तो आपने कहा कि भाई देखो टाइम बहुत कम है, तो मुझे ये बताइए मूवी कब शुरू होने वाली है। तो आपके फ्रेंड ने कहा कि मूवी स्टार्ट होने वाली है 3 o'clock, 3 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो आपने कहा 3 o'clock स्टार्ट हो रहा है, इट मीन स्टार्टिंग टाइम ऑफ द मूवी 3 बजे मूवी स्टार्ट होनी है, तो 3 बजे जो उसने बोला वो स्टार्टिंग टाइम होता है। फिर आपने कहा कि भाई कब तक चलेगी, मुझे फिर उसके बाद काफी अर्जेंट वर्क है, कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे का मूवी है। तो आपके फ्रेंड ने कहा कि 3 घंटे का मूवी है, 3 hours लगेगा उसके अंदर। सो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, जो 3 से लेकर 6 तक का इन बिटवीन का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके लिए हम फॉर यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को, किसी भी स्टार्टिंग शुरुआत वाले टाइम को हम सिंस से ही इंडिकेट करते हैं, और उस स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जितना भी टाइम इंक्लूड होता है वो सब ड्यूरेशन होता है। आपने जैसे कि देखा होगा शॉप के ऊपर लिखा होता है कि सिंस 1998 या सिंस 1990 ऐसा लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि सिंस से, फोर का मीनिंग भी से होता है टाइम की सेंस में, सिंस फोर का मीनिंग से होता है, तो कितने बजे से स्टार्टिंग हो रही है। तो सिंस 1998 का मीनिंग यहां पर ये होता है कि ये जो शॉप है ये 1998 से, 1998 से ये इट मींस से रन कर रही है, ग्रो कर रही है, उस समय हमने इसको लॉन्च किया था, वो टाइम इट मींस 1998 के साल में हमने इसको लॉन्च किया था। ओके, वो स्टार्टिंग टाइम हमारा हो गया। अब 2020 में, 2020 में उस शॉप को इट मींस लॉन्च हुए कितना टाइम हो गया, आई थिंक 22 years हो गए। तो ये 22 years जो है, जो कैलकुलेशन टाइम की है 1998 से लेकर अभी इस साल से, तो ये टाइमिंग हो गया 22 years। तो इस 22 years को हम फोर बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के सेंस में उसको काउंट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से सिंस फोर का हम यूज करते हैं। और एग्जांपल दे लेते हैं, मान लीजिएगा किसी को अपना बिल्डिंग यानी कि मकान बनवाना है, घर बनवाना है। ओके, तो वो मेसन के पास जाता है, कॉन्ट्रेक्टर के पास जाता है, जिसको उसने पैसे ऑलरेडी कुछ दे दिए हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो आपने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि भाई बता दीजिएगा कि मकान की शुरुआत कब करने वाले हो, काफी टाइम ले रहे हो, आप पैसे ले चुके हो,
तो उसने कहा कि भाई बना देंगे, अभी कुछ फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने कहा नहीं, डन, तारीख बताइएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट कर देंगे। तो दिसंबर बोलने का मीनिंग 1 दिसंबर की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग टाइम कब हुआ कि 1 दिसंबर को वो शुरुआत कर देगा मकान बनाने का। तो स्टार्टिंग टाइम जो होता है किसी भी कार्य में लगने वाला जो शुरुआती समय होता है, जो तारीख मुकरर होती है, वो हमारा सीन्स होता है। अब आपने कहा कि भाई कितना टाइम लगेगा मकान बनाने में, तो उसने कहा कि आपका जो है नियर अबाउट लग जाएगा 12 मंथ्स, 1 साल के आसपास लग जाएगा, या फिर 16 मंथ्स लग जाएंगे। तो जो 1 दिसंबर से शुरुआत हुई, सीन्स हो गया। अब दिसंबर से लेकर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम चल रहा है, कितना समय लगेगा, कितनी ड्यूरेशन लगेगी, तो 16 मंथ्स उसने बोला। तो 16 मंथ्स फोर के साथ हम उसको फोर ये वहां पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन डिस्कशन से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसको रिटन बेसिस समझाने की कोशिश करते हैं। और जो ऑडियंस है काफी इंटेंसली रिवॉच कर रहे हैं, कॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं, काफी अवेयर है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं इस चीज को, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी रिटन वे से काम कर रहे हैं इस चीज पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा डेफिनेटली। देखिएगा, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का हम यूज कैसे करते हैं, काफी कंफ्यूजन होती है यूज करने में, लेकिन अभी इसको मैं क्लियर करने वाला हूं। और आज के बाद मुझे फुल इट मींस, मैं उम्मीद करता हूं इस चीज का, आशा करता हूं कि कभी डाउट नहीं आएगा आपको इस कॉन्सेप्ट में, डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। तो सिंस का मीनिंग होता है स्टूडेंट से, और फॉर का मीनिंग होता है से, दोनों का हिंदी मीनिंग से होता है। और सेकेंड इनका मीनिंग हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि, या जिसको आप बोल सकते हो चूंकि, और यहां भी सेम मीनिंग होता है क्योंकि, या फिर आप इसको बोल सकते हो चूंकि। ऑलराइट, थर्ड मीनिंग की बात करता हूं हिंदी में, तो इसका मीनिंग यहां रहेगा के बाद से, के बाद से, या फिर आप बोल सकते हो जब से, या बोल सकते हो तब से। तो एग्जैक्टली हिंदी ये होने वाला है। और यहां फॉर के लिए क्या होगा, के लिए की सेंस में काम करने वाला है। तो गाइस स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली जो हिंदी होने वाला है सिंस एंड फॉर का, वो यही होने वाला है। हम टेंस में यूज करें, प्रेपोजिशनल फॉर्म में यूज करें, या फिर हम इसको यूज करने वाले कंजंक्शन के रूप में, जो एग्जैक्ट हिंदी होता है, जो कंप्लीटली ऑल ओवर हिंदी होता है इसका, वो यही होने वाला है। तो सिंस से, टाइम की सेंस में से, सिंस का मीनिंग से होता है। कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप बनाते हो, जैसे मैंने कहा मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, मैंने कहा मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो देखिएगा टाइम के बाद से 100%, 100 out of 100%, इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू डोंट फाइंड से, ओके, इन अ सेंटेंस इफ यू आर यूजिंग सिंस एंड फॉर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिंस फॉर यूज करो और सेंटेंस हिंदी वाले सेंटेंस में से ना आए। 100% हिंदी के सेंटेंस में से मिलेगा, वहां सिंस एंड फॉर यूज करना है। तो इन दोनों का हिंदी हुआ सिंस एंड फॉर का से। और ये किस सेंस में हिंदी हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम बता रहे हैं, तो इनका मतलब होता है यहाँ किस पार्ट ऑफ स्पीच में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर शब्द कोई ना कोई ग्रामेटिकल क्लास का हिस्सा होता है, ग्रामेटिकल क्लास होती है, वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। तो ये किस चीज का हिस्सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि से की जो सेंस हो रही है गाइस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में काम करता है, ये टाइम शो करता है। व्हेन की सेंस में काम करता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये 4 वर्ड्स एडवर्ब को ही शो करते हैं। राइट, वेयर से प्लेस का पता लगता है, व्हेन से टाइम का पता लगता है, हाउ से मैनर का पता लगता है, एंड यू कैन से दैट व्हेन हो चुका है, वेयर, हाउ और वाई से रीजन का पता लगता है। तो व्हेन कब से, 2 बजे से, कब से, 2 बजे से, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन होता है। तो सिंस फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में काम करता है हमारे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस में। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। क्योंकि और चूंकि, वैसे ही सिंस और फॉर, अभी क्योंकि और चूंकि का जो हिंदी होता है ये कंजंक्शन के फॉर्म में होता है। जब सिंस को हम एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, फॉर को एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, तो गाइस डेफिनेटली हिंदी होने वाला है। क्योंकि, चूंकि, या फिर इसको भी बोल सकते हो क्योंकि या चूंकि बोल सकते हो। ये रीजन को शो कर रहा है, क्यों, व्हाई, यानी कि रीजन बता रहा है यहाँ क्यों। तो एडवर्ब ऑफ टाइम इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम हमारा ऊपर शो हो चुका है।
तो ये हमारा रीजन को शो कर रहा है, कंजंक्शन के फॉर्म में काम कर रहा है, के बाद से और के लिए, के बाद से, ऑलराइट। यानी कि इसको हम यूज करने वाले हैं यहां एज ए प्रपोजिशन यूज करने वाले हैं। जब प्रपोजिशन के फॉर्म में हम काम करते हैं तो सिंस का मीनिंग के बाद से, जब से, तब से, टाइम के सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं। ये एक प्रपोजिशन के फॉर्म में भी काम कर रहा है और ये यहां काम कर रहा है एडवर्ब के फॉर्म में भी काम कर रहा है। ऑलराइट, अब इसका यूज से क्लियर हो जाएगा। यानी कि एडवर्ब एंड प्रपोजिशन इन बोथ सेंसेस सिंस एंड फॉर यहां यूज किए जा रहे हैं, या स्पेशली एडवर्ब ऑफ टाइम से के सेंस में यूज हो रहा है क्योंकि एज ए कंजंक्शन यूज किए जा रहे हैं सिंस फॉर, एंड के बाद से, जब से, तब से और के लिए के सेंस में एज ए प्रपोजिशन हम सिंस फॉर को यूज करने वाले हैं, और टाइम के सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ एक एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। राइट, तो देखिएगा यहां तक आपको समझ आ रहा है, आगे इसमें बढ़ते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं से की सेंस में। देखिएगा स्टूडेंट्स, फोकस कीजिएगा वॉचफुली कि से की सेंस में भी जो यूज करने वाले, सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। सिंस, जैसे मैंने कहा था अभी 1998 में कोई चीज लॉन्च हुई है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि उस जो लॉन्च किया गया है वो चीजें, जो भी कोई शॉप है, कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है, कोई इट मीन्स कंपनी फैक्ट्री वगैरह लॉन्च की गई है, तो उसका टाइमिंग सिंस 1998 हमने रखा, जिस समय हमने लॉन्च किया तो साल कौन चल रहा था 1998, तो अभी 2020 है, तो सिंस 2020 होता है, जब हम अभी हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं 2020 में काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सिंस 2020 लिखने वाले हैं, स्टार्टिंग टाइम्स अभी होने वाली है। तो देखिएगा अभी हम यहां यूज कर रहे हैं सिंस 1998 और 2020 तक कितना टाइम काउंट हो गया, हम 22 इयर्स हो गए। तो कहा तो ये जाता है डेफिनेटली कि सिंस जो होता है ये कैलकुलेट नहीं करता है, ये फिक्स टाइम बोल देता है, इसमें कैलकुलेशन का पावर नहीं होता, इसका मैथमेटिक्स काफी वीक होता है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। सो अभी जो फोर होता है, फोर कैलकुलेट करता है, एक एक चीज को कैलकुलेट कर लेता है ये। तो 1998 से लेकर 2020 तक कितना टाइम हुआ, 22 इयर्स। ये 22 इयर्स, ये इन बिटवीन ड्यूरेशन को काउंट किसने किया, फोर ने काउंट किया, फोर लग जाएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, स्टार्टिंग टाइम क्या था, 1998। ओके, अभी कॉन्सेप्ट ये है कि ये दिमाग में क्यों नहीं आता, समझ क्यों नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो सिंस एंड फॉर आप ऐसे इसको इट मींस कंसीडर कर सकते हो, ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हो कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहां पर, ये व्यक्ति हमारा जब है तो इट मींस यू कैन से दैट सिंस है, और एक ये व्यक्ति है, ये हमारा फॉर है, ये व्यक्ति सिंस हो गया और ये फॉर हो गया, आप ऐसा मान सकते हो। तो इससे क्वेश्चन पुट किया गया कि आप क्यों नहीं समझ आते हैं, स्टूडेंट्स में काफी दिमाग में कंफ्यूजन पैदा रखते हो, काफी इल्यूजन रहता है, डाउट क्रिएट रहता है, सस्पेंस में रहते हैं कि समझ नहीं आता सिंस का यूज होता है। फोर से पूछा भाई आप क्यों नहीं समझ आ रहे हैं, तो सिंस ने कहा वेरी सिंपल, इसने कहा कि मुझे कैलकुलेशन आती ही नहीं है। जब भी कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में जब भी कोई भी काम शुरू करता है, तो काम जब भी शुरू होता है, शुरू होते ही मैं वहां आ जाता हूं, मुझे यूज करो। तो फोर से पूछा कि भाई आप कब यूज किए जाते हो, इसने कहा कि जब काम शुरू हुआ, शुरू होने से लेकर जब वो खत्म हो जाता है, तो शुरू से लेकर खत्म होने तक का जो ड्यूरेशन होता है वह मैं यूज होता हूं। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज क्लियर। ओके, सो ऐसे हम इसका यूज करते हैं, तो कोई इल्यूजन ही नहीं है स्टूडेंट्स इसमें, अगर आप फोकस करो इस चीज पर। यदि इसको समझने की कोशिश ना की जाए तो डेफिनेटली बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएटिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिएगा आप इसमें जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करता हूं। प्रेजेंट जो टेंस होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको फोकस कीजिएगा कि कहां कहां यूज कहां होता है, कितने टेंसों में कहां यूज होता है। प्रेजेंट टेंस से अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको यूज करते हैं। सेकेंडली हम यूज करते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, continuous लिखा जाता है, कई बार हम इसको ऐसे लिखते हैं C-O-N-T-I-N-O-U-S लिख देते हैं और रॉन्ग हो जाता है। तो टू प्लेसेस पर जो सब डिविजन पार्ट है या सबस्टिट्यूट कह सकते हो, कैसे दैट सब टाइटल प्रेजेंट टेंस के दो सब टाइटल कह सकते हो, इसके अंडर में काम करने वाले टू पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों में हम सिंस फॉर का यूज करते हैं, प्रेजेंट में सिर्फ दो जगह यूज होता है। उसके बाद हम बात करें पास्ट टेंस की, बात करते हैं
तो पास्ट टेंस में हमारे पास सिर्फ इट मीन्स थ्री प्लेसेस पर हम इसको यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट पास्ट इनडेफिनेट, एंड सेकेंड हम यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट, एंड लास्ट यूज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो गाइज, पास्ट में हम तीन जगह इसका यूज कर सकते हैं, पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फोर को हम डेफिनेटली यूजली यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट में टू प्लेसेस पर यूज हुआ और पास्ट में थ्री प्लेसेस पर हम इसको यूज किया. ओके, समझ आ रहा है सभी को? देखते हैं फ्यूचर में कहां कहां यूज होता है स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है. ओके, फ्यूचर की यदि बात की जाए तो फ्यूचर में हम यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में हमारा यूज टू प्लेसेस पर ही होता है. फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं हम इसको, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इसको यूज करते हैं. सिंस फोर का यूज हम फ्यूचर में दो जगह करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको यूज करते हैं. तो इट मीन्स क्लैरिटी यहां पर ही आता है, रिजल्ट ये डिक्लेयर होता है कि प्रेजेंट में हमने टू प्लेस पर यूज किया, पास्ट में हमने इसको थ्री प्लेसेस पर यूज किया, एंड फ्यूचर में हमने इसको टू प्लेसेस पर, टोटल कितना हुआ? सेवन प्लेसेस पर. सेवन प्लेसेस हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में टू, पास्ट थ्री, एंड फ्यूचर टू. अब इसको देखते हैं कंप्लीटली यूज करके, देखते हैं प्रैक्टिकली इसको हम अडॉप्ट करते हैं. देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी एग्जाम्पल ये बनता है, ही हैज बीन एट पानीपत फॉर टू इयर्स. तो स्टूडेंट्स नोटिस कीजिएगा, ही हैज बीन एट पानीपत. अभी एट और इनका जो प्रोसीजर होता है काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है कि एट व्हाट प्लेस वी यूज एट एंड एट व्हाट प्लेस वी कैन यूज इन. ओके, व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन. ये प्रेपोजिशन काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इतना ट्रिक नहीं होता है इसके अंदर, इतना ज्यादा लॉजिक भी नहीं है. तो दोनों का मीनिंग में होता है, यानी कि जो स्मॉल सिटीज होते हैं, स्मॉल इट मीन सिटी कह सकते हो, विलेज कह सकते हो, टाउन कॉलोनी जो भी है, तो वहां हम यूज कर लेते हैं एट का, और जो बिग होता है वहां इन का यूज कर लेते हैं. तो जैसे आप गोहाना लिखते हो, तो गोहाना के साथ आप इन लगा देते हो, ये पूरी तरह गलत होता है. गोहाना के साथ इन नहीं लगता, एट यूज करते हैं, कि गोहाना कोई मेगा सिटी नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं है, तो जो छोटे शहर कस्बे होते हैं वहां हम एट यूज कर सकते हैं डेफिनेटली. तो पानीपत के साथ मैंने एट यूज किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज कर लेते हैं, अधिकतर समय इन यूज कर लेते हैं, एट यूज कर लेते हैं. यदि कंपैरिजन करूं मैं यहाँ पानीपत हरियाणा लिखता हूं, तो इन हरियाणा एट पानीपत हो जाएगा. तो ही हैज बीन इन पानीपत आप लिख सकते हो, एट पानीपत लिख सकते हो. वो आपका पर्सनली इंडिविजुअल जो इट मीन्स कंसिडर करते हो आप इस चीज को, कि पर्सनली उस शहर को आप कितना बड़ा इट मीन्स समझते हो, या उसको कंपेरेटिवली सेंस में यूज कर रहे हो, स्टेट के साथ आप उस डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर कर रहे हो, तो आप वहां यदि स्टेट के साथ डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो आप वहां फिर एट लगा सकते हो. यदि खाली आप डिस्ट्रिक्ट यूज कर रहे हो तो आप वहां इन भी यूज कर सकते हो, राइट. लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं निकालेगा आपकी, क्यों? क्योंकि ये आपका पर्सनल इंडिविजुअल थॉट है, राइट, कि आप उस शहर को कितना कंसिडर करते हो. जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, अभी दिल्ली है, अब दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, सो आप उसको इंडिविजुअल थॉट पर ये कंसिडर नहीं कर सकते कि भाई मैं उसको छोटा कंसिडर करता हूं, मानता हूं, नो. तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, तो आप यहाँ एट यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. कंपेरिजन के सेंस में तो डेफिनेटली एट आएगा ही आएगा, सिंगल यूज भी आप इसको कर सकते हो. लेकिन जैसे गोहाना है, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं है, तो एक छोटा शहर है, तो यहाँ भी हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं. ओके, और यदि हम टेक्निकल तरीके की बात करें, तो हमें यहाँ यूज क्या करना चाहिए? इन पानीपत यूज करना चाहिए. टेक्निकल तरीके की बात करूँ तो यहाँ क्या यूज करना चाहिए? इन पानीपत. और कंपेरेटिव सेंस की बात करूँ तो यहाँ, जैसे कि हरियाणा से कंपेयर कर रहे हो, तो इन हरियाणा एट पानीपत आप यूज करोगे. अगर एट भी यूज कर लेते हो तो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, राइट. लेकिन फिर भी हमको टेक्निकल और प्रैक्टिकल यूजेस का ध्यान रखना चाहिए. तो ही हैज बीन इन पानीपत फॉर टू इयर्स, वह दो साल से पानीपत में है. तो ये हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और बीन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ. अभी बीन कहां से प्रोड्यूस होता है? बी का फर्स्ट, बी फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म होता है बी, राइट. एंड वॉज वर्ब हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है,
एंड बीन, बीन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है एंड बीइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म. इट मींस वन टू थ्री एंड फोर्थ फॉर्म में काउंट करते हैं. एंड इज एम आर, इजन हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है. सो बी इज इट सेल्फ फर्स्ट फॉर्म बेस रूट फॉर्म एंड वॉज वर सेकेंड फॉर्म. बीन थर्ड फॉर्म होता है एंड बींग फोर्थ फॉर्म होता है. इज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, बी का फॉर्म होता है. ओके, तो हमने हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया. इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट सेंस में हम यूज कर रहे हैं. तो ही हैज बीन इन पानीपत 40 इयर्स, वह दो साल से पानीपत में है. अब इसके अंदर क्या बनेगा, दो साल से वो पानीपत में है, दो साल हो गए उसको पानीपत में रहते हुए. तो देखिएगा, फोर का यूज हमने किया, प्रेजेंट परफेक्ट में फोर का यूज हमने किया है कि उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना, दो साल. दो साल कौन से दो साल, राइट, 2015 से लेकर 1670 तक गया, तो कोई टाइम का स्टार्टिंग नहीं दिया गया. तो फोर हमने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम यहां यूज कर रहे हैं कि ही हैज बीन देयर सिंस 2019. ही हैज बीन देयर सिंस 2019. वह हेयर, यहां, देयर, वहां, एडवर्ब का काम कर रहे हैं, एडवर्ब प्लेस का काम कर रहे हैं. तो ही हैज बीन देयर, वह वहां है, कब से, 2019 से. से की सेंस बनते हैं फॉर यूज कीजिए, सिंस यूज कीजिए, लेकिन सिंस स्टार्टिंग टाइम 2019 से वह वहां है. तो हेल्पिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको यूज कर रहे हैं डेफिनेटली. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज नॉट ईटन फूड फॉर टू डेज. जैसे मैंने कहा, ही हैज नॉट ईटन फूड फॉर टू डेज, उसने दो दिन से खाना नहीं खाया है. अब यहां कहोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ईटन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया. तो गाइस, ईटन डू ग्रुप ऑफ वर्ब है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, और बी हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, बी वाज वर्ब, बीइंग, बीइंग एंड इज वर्ब. सो ये भी थर्ड फॉर्म यूज है, ये भी थर्ड फॉर्म यूज है. ये डू ग्रुप ऑफ वर्ब का है और ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बी का फॉर्म है. तो उसे खाना खाए हुए दो दिन हो चुके हैं, दो दिन से उसने खाना नहीं खाया है, प्रेजेंट परफेक्ट. तो ये हमारे से के सेंस में दो दिन हमारा स्टार्टिंग टाइम बिल्कुल नहीं है, ये ड्यूरेशन है. ओके, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज करते हैं. उसके बाद इसमें मैंने कहा कि ही हैज वर्कड इन दिस फैक्ट्री, ही हैज वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 इयर्स. यानी कि ही हैज वर्क, उसने काम किया है, वो काम कर चुका है इन दिस फैक्ट्री फॉर 5, पांच साल से वो उस फैक्ट्री में है, पांच साल हो गए उसको फैक्ट्री में काम करते हुए. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंस फॉर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. तो यहां इसकी सेंस हो रही है से 5 इयर्स, कौन से 5 साल, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग टाइम नहीं है. स्टार्टिंग टाइम कभी ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं आता है, 1 होता है 2002 से, 1 जुलाई से. इट मीन्स स्टार्टिंग टाइम ये बिल्कुल नहीं है, ये हमारा ड्यूरेशन है, 5 साल की ड्यूरेशन बता रहा है. तो यहां हम यूज कर सकते हैं. एक सेंटेंस काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है गाइस, देखिएगा, ही हैज नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट. अभी प्रॉब्लम ये होता है कि ही हैज नॉट सीन हिम, ही हमारा सब्जेक्ट है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट. डाउट ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि आप इसको रिप्लेस करके देख सकते हो कि ही इज इक्वल टू हिम. देखिएगा, ही हैज नॉट सीन हिम, अभी आप कहोगे ही का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, तो उसको समझाने के लिए मैं चेंज कर देता हूं. ही हैज नॉट सीन मी, उसने मुझे नहीं देखा है, यानी कि ही इज इक्वल टू मी, क्या ही मी है, नो, दोनों अलग अलग पर्सन है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही माना जाता है जो दोनों अलग अलग होते हैं. यदि ये और ये एक हो गया तो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट. So he has not seen me. उसने मुझे नहीं देखा है सिंस मंडे लास्ट. अभी आपके माइंड में डाउट चल रहा है कि सर, लास्ट का यूज तो हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर. ओके, लेकिन ये लास्ट वीक मंथ नहीं है, मंडे लास्ट, ना कि लास्ट मंडे नहीं है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट है. इसका मीनिंग ये हुआ कि मंडे की शुरुआत होती है. मान लीजिए मंडे का टाइम यहां से 12 घंटे स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग टू एंडिंग. तो मंडे की शुरुआत से लेकर आखिर तक उसने मुझे नहीं देखा है. मैंने ये नहीं कहा कि इस मंडे को नहीं, पिछले मंडे को मैंने उसको नहीं देखा, ऐसा नहीं बोला मैंने. पिछला मंडे बोलता, लास्ट मंडे बोलता, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता. मैंने कहा मंडे लास्ट, तो स्टूडेंट्स इसमें डाउट फील करते हैं कि भाई ये तो मंडे लास्ट बोला है तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट होगा. बिल्कुल नहीं, लास्ट मंडे पास्ट इंडेफिनिट होता है, मंडे लास्ट नहीं होता.
तो मंडे की शुरुआत 12 घंटे स्टार्टिंग टाइम डे का है, तो शुरू से लेके सुबह से लेके मंडे की शाम तक मैंने उसको नहीं देखा है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और सेंस इसमें काम कर रहा है, क्योंकि मंडे जो होता है वीक में एक ही आता है, ये स्टार्टिंग का टाइम है ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, मंडे शुरुआती दिन है वो, राइट। कंप्लीट समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा अगेन। तो हमने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फोर को, अभी देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 मिनट्स। ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से इस किताब को पढ़ रहा है। सो हैज बीन रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का काम हो रहा है, दिस बुक इस किताब को फॉर, फॉर यहां से के सेंस में काम कर रहा है, 10 मिनट्स। अभी कौन से 10 मिनट्स, कौन से दिन के, कौन से आर के, कौन से 10 मिनट्स, ओके। सो ये स्टार्टिंग टाइम नहीं है, ये तो ड्यूरेशन हो गया। स्टार्टिंग में कभी काफी सारी कैलकुलेशन नहीं होती, कैलकुलेशन होने का मतलब 10 कैलकुलेशन है, वो 4 कैलकुलेट करता है हमेशा। सिंस तो एग्जैक्ट टाइम पर आ जाता है, स्टार्टिंग टाइम पर आता है, ओके। कंप्लीट हो रहा है, ओके गाइस। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल बना सकते हो आप इस पर कि द सिंगर हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 15 मिनट्स, ओके। ऐसे चलता रहेगा इसके अंदर। और एग्जाम्पल दे देता हूं कि सी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, वह डांस कर रही है 2 घंटे से। 2 घंटे भी क्या हो गया हमारा, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो इसकी सही सेंस में काम कर रहा है। यदि मैं ऐसे लिखता हूं यहां कि ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 o'clock, अभी ये गलत हो जाएगा। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए इंतजार कर रहा है, फॉर 2 o'clock, 2 बजे से। अभी स्टूडेंट्स 2 o'clock स्टार्टिंग ऑफ टाइम है ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मैंने 2 घंटे नहीं कहा, मैंने 2 o'clock, 2 बजे एक टाइम होता है घड़ी के अंदर, 2 o'clock। तो यहां क्या यूज करने वाले हैं, सिंस, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस। यदि स्टार्टिंग दिखता है तो सिंस यूज कीजिएगा, यदि ड्यूरेशन लग रहा है तो फॉर यूज कीजिएगा, कहीं भी किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है गाइस, अभी आपका इट मींस डाउट आएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब कहां से आ गया, तो ये देखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कभी प्रपोजिशन यूज होता नहीं है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, आप फॉर को हटा सकते हो, ही हैज बीन वेटिंग मी, वह मेरा इंतजार कर रहा है, फॉर इट मीन सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। जैसे कि आपने देखा है कि आई सेड, मैंने कहा आई सेड टू मी, या फिर मैंने कहा कि आई टोल्ड, आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए सेड जो लिखा है मैंने, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास मेन वर्ब 3 ही होती है, हम फाइनाइट वर्ब के अंदर जो फाइनाइट वर्ब है हमारी मेन वर्ब होती है, तो फाइनाइट जो मेन वर्ब होती है उसमें 3 वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब का काम करती हैं, ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, लिंकिंग होती है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं जिसका सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, राइट। इंट्रांजिटिव उसको बोलते हैं जिसका सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और लिंकिंग वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होता है, वो अलग बात है। तो देखिए सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी, राइट दिया गया है। तो जो एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं स्पीडली बता रहा हूं इसको कि यहां मैंने क्यों रेज किया उसको, कि जो हमारे एक ऑब्जेक्ट है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्यों ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन यूज नहीं करते, ये एक्सेप्शनल केस होता है जो यूज करते हैं हम। सेड टू, अभी आपको कैसा यूज कर रखा है सेड टू, सेड टू हमारा एक प्रपोजिशनल फ्रेज होता है जिसमें ऑलरेडी सेड टू लिखा होता है, से टू का मतलब ही होता है कहना, ओके। जैसे मैं कहूं कि ही स्पोक टू मी, अब आप कहोगे सर ही स्पोक टू मी भी होता है तो ये गलत है क्या, ये एक वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्यों नहीं हटाया बीच में से। तो स्टूडेंट्स कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ प्रपोजिशन डिफाइन होती है, फिक्स प्रपोजिशन होती है, उनको नहीं हटा सकते हम, ओके। जैसे टोल्ड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं होती है, ही टोल्ड, आई टोल्ड हिम, तो ये वर्ब है ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगता। कुछ एक वर्ब ऐसी है जैसे कि से टू, स्पोक टू, राइट, तो जिनके साथ प्रपोजिशन ऑलरेडी अटैच होता है तो वहां तो नहीं हटा सकते, लेकिन 90% जो हमारी वर्ब्स होती है वहां हम ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच का प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ये बिल्कुल इट मींस रॉन्ग यूज माना जाता है, ओके। देखिएगा आगे,
उसके बाद यदि हम ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में सिंस वर्ब का यूज हमने कर लिया है, और कई बार ऐसा लिखा जाता है कि आई एम इल फॉर टूडेज, मैं दो दिन से बीमार हूं, स्टूडेंट्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो दिन से बीमार है इसके लिए हम आई एम इल प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें लिखना होगा कि आई हैव बीन इल फॉर टू डेज, मैं दो दिन से बीमार हूं, आई हैव बीन इल फॉर टू डेज, क्योंकि देखिएगा बीमार दो दिन से है, तो दो दिन पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात हो रही है, तो पिछले दिन से लेकर आज वाले दिन तक, दो दिन तक वो बीमार है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंस फॉर का यूज कभी नहीं होता, तो आई एम इल फॉर टूडेज ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है आई एम इल टूडे, आज मैं बीमार हूं, लेकिन यदि आप उसको काउंट कर रहे हो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहे हो, चार दिन से बीमार है, दस दिन से बीमार है, तो नाइन डेज पिछले और एक दिन प्रेजेंट का, तो ऐसे पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का काम करने के लिए सिंस फॉर सिर्फ परफेक्ट में ही आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आता है, तो ये हमारा रॉन्ग होता है, ये राइट होता है। और एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको इल और सिक में क्या डिफरेंस होता है गाइज। देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि हमको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बताया जाता है, हमारे स्कूलिंग टीचर भी हमको ये चीज नहीं बताते हैं। इल का यूज हम करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जब लॉन्ग टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फीवर होता है, डिजीज कोई भी होती है, तो लंबी बीमारी के लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज करते हैं इल को, और शॉर्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिक को। जैसे कि कोई एक दिन के लिए बीमार हो, बोलेगा आई एम सिक टूडे, ऐसा कोई लिखता नहीं है आई एम सिक टूडे, ये कॉन्सेप्ट सही है, आई एम इल टूडे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है। आई एम इल टूडे नहीं होता, इल होता है दो यानी तीन, दो दिन से ज्यादा कोई बीमारी होती है, एक सप्ताह के लिए, एक साल के लिए, जो लंबी बीमारी होती है उसके लिए हम इल यूज करते हैं, लेकिन वन डे के लिए, कुछ घंटों के लिए, जैसे स्टमक एक हो गया है, हेडेक हो गया है, फिंगर पेन हो गया है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वहां छोटी बीमारी के लिए, कम समय की बीमारी के लिए हम सिक का यूज करते हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन लिखते समय हम यूज करते हैं कि आई एम इल टूडे, या फिर आई वॉज इल यस्टरडे, कल बीमार था, तो एक दिन की बीमारी के लिए इल गलत होता है, सिक यूज करना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन पुट करता है, इसमें काफी गलतियां होती है, तो ये सही है। तो किसने पूछा कि इट मींस कोई आपका फ्रेंड है, वो जानता है आपका प्रोफेशन टीचिंग का, वो पूछता है कि इन विच स्कूल डू यू टीच, आपके स्कूल में पढ़ाते हो, इन विच स्कूल डू यू टीच, तो आपने कहा कि आई एम टीचिंग इन दैट स्कूल, ओके ये गलत चीज है। देखिएगा जब आपसे वो बात कर रहा है, तो इट मींस आप उसके सामने हो, कोई पढ़ा नहीं रहे हो, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं, जब लाइव आप कोई काम कर रहे हो, तो आपने कहा आई एम टीचिंग इन दैट स्कूल, ये पूरा गलत है, आपको बोलना चाहिए आई हैव बीन टीचिंग इन दैट स्कूल, ओके, क्योंकि आई एम टीचिंग इन दैट स्कूल का मतलब तो ये हो गया कि आप उसमें पढ़ा रहे हो, लेकिन आप पढ़ा कहाँ रहे हो, तो उससे बात कर रहे हो, ओके, तो नॉट आई एम टीचिंग इन दैट स्कूल, आई हैव बीन टीचिंग इन दैट स्कूल आप यूज करोगे। जैसे कि किसी ने पूछा कि आप कब से बीमार हो, तो आप नहीं कह सकते कि आई एम इल टूडेज, नो नो नो, रॉन्ग हो जाएगा, आई हैव बीन इल फॉर टूडेज, आई हैव बीन इल फॉर टूडेज, मैं दो दिन से बीमार हूं, तो आप परफेक्ट में यूज करोगे। गुड, उसके बाद पास्ट का हम यूज कर लेते हैं, पास्ट में देखते हैं सिंस फॉर कैसे यूज होता है गाइज। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात की जाए, तो जैसे कहा गया कि ही स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, ही स्टडीड सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ही स्टडीड इन दिस स्कूल, उसने इस स्कूल में पढ़ाई की, फॉर फाइव, पांच साल से वो स्कूल में पढ़ा, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सिंस फॉर यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये बनता है कि he studied in this school for 5 years, but do not study now, किंतु अब नहीं पढ़ता, okay? तो हम फॉर यूज कर सकते हैं, सही सेंस में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारा इसमें आ रहा है। इसमें मैंने कहा कि I lived in this house since 2019. I lived in this house since 2019, यानी 2019 से मैं इस घर में रहा, 2019 से मैं इस घर में था, ओके? तो सिंस का यूज कर सकते हो, फॉर का यूज कर सकते हो, ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है। इट मींस क्या बनता है कि आई लाइव, देखिए लीव इसको वैसे बोला जाता है, लेकिन ये रॉन्ग प्रोनंसिएशन होता है, लाइव्ड होता है। आई लाइव्ड इन दिस हाउस सिंस 2019, बट डू नॉट लाइव नाउ, अब नहीं रहता मैं उस घर में, तो सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। जो काम पास्ट में हो रहा था, अब वो काम नहीं है, पास्ट में मैं वहां था लेकिन अब नहीं हूं, हम सिंस फॉर यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में यूज कर रहे हैं हम इस चीज को, सिंस फॉर को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि ही हैड
been there for 2 weeks. He had been there. Had हमारा past में use करते हैं helping verb है और been हमारा verb का third form है तो past perfect हो गया. He had been there for 2 weeks. वह दो सप्ताह से वहाँ था. इसका sense बनता है कि वह दो सप्ताह से की sense दो सप्ताह से वहाँ था. अभी आप कहोगे सर ऐसे भी हो सकते हैं कि he was there for 2 weeks. कि he was वह था there वहाँ for 2 weeks दो सप्ताह से वो वहाँ पर था. लेकिन students जैसे मैंने कहा कि I am ill, it means I am ill for 2 days. मैं दो दिन से बीमार हूँ ऐसा मैं use नहीं कर सकता. I have been ill for 2 days use करते हैं. लेकिन past indefinite में तो since form ने use किया है तो इसकी sense वो बन जाएगी he was there for 2 weeks. इसका sense ये बनेगा कि वह दो दिन से वहाँ था but अब नहीं है. But do not stay there now. अब वो वहाँ नहीं है. Okay? तो he was there for 2 weeks कहना भी ठीक है लेकिन इसकी sense वही बन जाएगी जैसे मैंने कहा था he studied in this school for 5 years. 5 साल से वो इस स्कूल में पढ़ा but do not study now. अब नहीं पढ़ता. he was there for 2 weeks दो सप्ताह से वो वहां था but do not stay there now. अब वो वहां नहीं है. okay? तो हम past perfect में use कर सकते हैं since for को definitely use कर सकते हैं. उसके बाद past perfect continuous की बात कर रहे हैं. जैसे कहा गया कि he had been waiting there since morning. तो students देखिएगा he had been waiting there since morning. वह सुबह से वहां इंतजार कर रहा था. तो had been waiting past perfect continuous का काम हो रहा है. there वहां वो wait कर रहा था. ये here there ये it means adverb of place का काम कर रहे हैं. since से की sense में काम कर रहा है. से morning से वो वहां इंतजार कर रहा था की sense बन रही है क्योंकि morning evening midnight ये सभी starting time होते हैं. morning शुरुआती समय. okay? यदि मैं कहूँ कि 15 मिनट से कर रहा था तो for use कर सकते हो. morning है evening है sunset है sun rise है ये सब fix ही होते हैं. सब starting time की बात हो रही है. उसके बाद हमें use करने वाले हैं future के लिए. फ्यूचर इट मीन्स परफेक्ट में हम इसका यूज करने वाले हैं. तो फ्यूचर परफेक्ट में कैसे यूज होना है वो देखिएगा. जैसे कहा गया कि ही विल हैव बीन ए गुड टीचर. ही विल हैव बीन ए गुड टीचर. विल एक इट मीन्स फ्यूचर जो टेंस होता है उसका हेल्पिंग विल शैल होता है. तो ही हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज कर रहे हैं विल का. आई बी के साथ शैल यूज होता है. सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करते हैं लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है. जो इट मींस एक प्रोफेशनल स्पीकर होते हैं वो हमेशा सेकंड थर्ड के साथ शैल यूज करते हैं और फर्स्ट के साथ हमेशा विल यूज करते हैं. तो ही विल हैव विल को कौन सी फॉर्म चाहिए फर्स्ट फॉर्म. ओके तो विल के बाद हैव फर्स्ट फॉर्म हो गया और विल हैव दोनों मिल गए तो हमारे पास ये इट मींस परफेक्ट परफेक्ट का काम कर रहा है. देखिएगा विल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हैव फर्स्ट फॉर्म है तो विल हैव. अब ये दोनों क्या है इट मीन्स परफेक्ट के सेंस में काम करें तो परफेक्ट के सेंस में हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या आनी चाहिए बी वॉच बीन. तो ही विल हैव बीन ए गुड टीचर वह एक अच्छा अध्यापक होगा. ओके okay? कब से फॉर 2 years वह 2 साल से अच्छा अध्यापक होगा. राइट कि भविष्य में वो होगा. ओके okay? तो हम यहां फॉर सिंस का यूज कर सकते हैं. ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सी हैज बीन ए गुड प्लेयर Till 2 years. Till का use time के sense में होता है. तक के sense में. She has. It means no. She will have. Sorry. She will have. She will have been a good player. She will have been a good player for या till आप लगा सकते हो. Till 2 years. वह 2 साल तक अच्छी खिलाड़ी हो जाएगी. अब टिल लगाने से मीनिंग क्या बनता है 2 साल तक वह अच्छी खिलाड़ी हो जाएगी. और यदि मैं यहां लिखता हूं फॉर इट मींस क्या होगा कि वह 2 साल से फॉर की सेंस क्या होती है से 2 साल से वह अच्छी खिलाड़ी होगी. राइट 2 साल से अच्छी खिलाड़ी होगी. राइट ऐसा सेंस बनता है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं. He will have been studying in this school for 2 years.
ही विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा होगा, ऑलराइट। या फिर आप ये लिख सकते हो कि सिंस 2017, वह 2017 से इस स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो सिंस फॉर 2 ईयर्स हम यहाँ कर सकते हैं डेफिनेटली। सो प्रेजेंट में यूज किया 2 places पर, पास्ट में 3 places पर यूज किया, और फ्यूचर में 2 places पर यूज किया है, राइट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम कभी टाइम यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हमने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, ऑलराइट। तो देखिएगा अभी मैंने सिंस फॉर का यूज सिर्फ स्टार्टिंग टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यूज किया है, ओके। अभी सिंस का जो सेकेंड यूज जो था, जो हमने यहाँ लिखा था, क्योंकि, और फॉर का यूज भी क्योंकि के सेंस में लिखा गया था। तो क्योंकि की सेंस एज ए कन्वेंशन होती है, तो हमारे पास एज, फॉर, सिंस, बिकॉज, ये चारों ही कन्वेंशन होते हैं जिनका हिंदी होता है क्योंकि, ओके। लेकिन यूज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो देखिएगा बिकॉज का यूज हमेशा इन बिटवीन होता है, बिकॉज, और उसके बाद हम सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस का यूज सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, बिकॉज का यूज इन बिटवीन होता है, एज और फॉर का यूज हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, और एज और फॉर का यूज गाइज हम बीच में भी कर सकते हैं, राइट। चारों ही कंजंक्शन है जिनका मीनिंग क्योंकि होता है, बिकॉज का यूज दोनों सेंटेंस के बीच में होता है, सिंस का यूज सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, एज फॉर का यूज सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, और एज फॉर का यूज हम सेंटेंस के बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि आई वॉज, या फिर यू कैन, आप ऐसा कह सकते हो कि आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी को अटेंड नहीं कर सका, बिकॉज आई वॉज अनवेल, आई वॉज अनहेल्थ यू कैन से, बिकॉज आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं, इट मीन स्वस्थ नहीं था, ओके। आई वॉज अनहेल्दी, आई वॉज अनफिट, आई वॉज इल यू कैन से दैट, ओके। लेकिन देखो सिक का यूज करना चाहिए, मैं कल बीमार था सो मैं कल पार्टी अटेंड नहीं कर सका, लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम सिक को यूज ही नहीं करते हैं, इल को यूज करते हैं। तो आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं अस्वस्थ था। तो सेंटेंस के बीच में इसका क्या, इट मीन्स मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि मैं पार्टी क्यों नहीं अटेंड कर सका, रीजन क्या था, क्योंकि मैं बीमार था, बीमार था, रीजन क्या था, बीमार था, रिजल्ट क्या निकला, पार्टी अटेंड नहीं कर सका, ओके। अब इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो, सिंस आई वॉज अनवेल, ओके, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं अस्वस्थ था, ओके, तो क्या किया फिर उसमें, सो आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, सिंस आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं बीमार था, सो आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सका, इसलिए मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सका, सो से पहले मैं कोमा लगाना बहुत जरूरी है। तो सिंस का यूज स्टार्टिंग में हो गया, ओके। उसके बाद इसमें लिखा एज या फॉर, आई वॉज इल अनहेल्दी अनफिट यू कैन से दैट, सो आई कुड नॉट मीट यू, सो मैं आपसे नहीं मिल सका, एज फॉर आई वॉज इल अनहेल्दी अनफिट, क्योंकि दोनों का मीनिंग, एज और फॉर का मीनिंग, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सका, वॉज के साथ कुड इज होता था, हम कैन यूज कर सकते थे, राइट। तो अभी देखिएगा हम एज फॉर को सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई कुड नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल सका, यदि हम एज यूज कर रहे हैं, एज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, सो दैट्स राइट। लेकिन यदि हम यहां फोर यूज कर रहे हैं गाइज, तो फोर से पहले कॉमा बेहद जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस का जो, इट मीन्स ग्रामेटिकल वे से रॉन्ग हो जाएगा। आई कुड नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल सका, फॉर आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो पंक्चुएशन लगाना बेहद जरूरी है, कॉमा फोर से पहले, एज से पहले नहीं लगेगा। तो हम एज फोर को स्टार्टिंग यूज कर सकते हैं और बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग क्या रहेगा, क्योंकि। तो सिंस और फोर की बात हो रही थी, सिंस का यूज मैंने यहां आपको बताया क्योंकि सेंस में, और फोर का यूज यहां को क्योंकि के सेंस में हो रहा है, और यहां भी क्योंकि के सेंस में हमने यूज किया, राइट। आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ओके। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स,
अब क्योंकि इस सेंस में कंप्लीट हो चुका है, अब इसका जो मीनिंग बचा था के बाद से या जब से तब से या फिर हमने लिखा था के लिए। अब ये के लिए का यूज एज ए प्रपोजिशन हो रहा है, यहां हम इसको प्रपोजिशन की सेंस में कंसीडर कर रहे हैं और यहां हम इसको एडवर्ब और प्रपोजिशन की सेंस में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से देखो तो एडवर्ब होता है और के बाद से जब से तब से एक फिक्स टाइम हमारा प्रपोजिशन में भी सेंस का यूज होता है, तो के लिए प्रपोजिशन की सेंस में जो है से की सेंस में ये एडवर्ब ऑफ टाइम था क्योंकि इस सेंस में कंजंक्शन के फॉर्म में यूज हो रहे थे, और इस सेंस में यहां ये प्रपोजिशन के फॉर्म में ये एडवर्ब एंड प्रपोजिशन दोनों के फॉर्म में यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे इसमें कहा गया कि ही हैज नॉट डन इट सिंस ही केम हियर। ही हैज नॉट डन इट प्रेजेंट परफेक्ट, उसने इस काम को नहीं किया है सिंस ही केम हियर, तो इसका मीनिंग बनता है जब से तब से या के बाद से। ही हैज नॉट डन इट, उसने इस काम को नहीं किया है जब से वह यहां आया है या तब से उसने उस काम को नहीं किया है जब से वो यहां आया है, या फिर यू कह सकते हो कि ही हैज नॉट डन इट, उसने इस काम को नहीं किया है यहां आने के बाद से। हमेशा याद रखना इस चीज को, सिंस को यदि हम प्रपोजिशन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं यहां पर या एडवर्ब की फॉर्म में, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, यदि सिंस बीइंग एडवर्ब एंड प्रपोजिशन टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है तो डेफिनेटली गाइज यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और यहां प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करेंगे, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कहा कि आई रिजाइडेड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा सिंस आई ज्वाइंट सर्विस, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है। सो दिस एग्जाम्पल इज फॉर यू, ऑल राइट, एंड आई होप दैट यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड द एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट, देखिए इसमें कहां गलती है। मैंने अभी आपको बताया है कि आई रिजाइडेड इन दिस हाउस सिंस आई ज्वाइंट सर्विस, मैं इस घर में रहा जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है, तो कहां इसमें प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट इट मीन्स रॉन्ग हो रहा है। उम्मीद करता हूं सभी को दिख रहा है कि कहां से मिस्टेक हो रही है, ऑलराइट, यहां से आपको लग रहा राइट, ओके, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझे, यही मिस्टेक है इसके अंदर रिजाइडेड, क्योंकि सिंस से पहले दो सेंटेंस फर्स्ट और लास्ट, जो सिंस के बाद है वो की सेकंड फॉर्म सही है, लेकिन सिंस से पहले पास्ट डेफिनेट नहीं आएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो हमें क्या यूज करना होगा, आई हैव रिजाइडेड, रिजाइड मीन्स होता है लाइव रहना, आई हैव रिजाइडेड इन दिस हाउस सिंस आई ज्वाइंट सर्विस, मीनिंग बनता है कि जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है मैं इस घर में रहा हूं। ओके, मैं इस घर में हूं, मैं इस घर में रहा हूं जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है, राइट, नोट एंड आउट, गुड। लेकिन एक कॉन्सेप्ट गाइज ऐसा भी होता है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि सिंस का से पहले जो सेंटेंस है यहां हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रहेगा, इट मीन्स ये बदल नहीं सकता, यहां हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं, दोनों हम यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली प्रेजेंट परफेक्ट बट ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज किया जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज स्टेइंग विद अस, वह हमारे साथ ठहरा हुआ है, वह हमारे साथ रुका हुआ है सिंस ही केम हियर, He is staying with us. वह हमारे साथ ठहरा हुआ है since he came here. जब से वह यहां आया है. Okay? या फिर आप ये कह सकते हो कि he is making mischief since he या she जो भी है entered in this room. देखिएगा, He is making mischief. वह गलतियां कर रहा है since जब से he entered in this room. जब से उसने इस कमरे में प्रवेश किया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब से वह यहां आया इस रूम में वह गलतियां कर रहा है, तो since से पहले present continuous बाद में second form,
और यहां से पहले प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, वो आपकी सेंस पर डिपेंड करता है किस प्रकार बना रहे हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बाकी कोई नहीं आएगा, और यहां कंटीन्यूअस में भी सेकंड फॉर्म रहेगा, परफेक्ट में भी सेकंड फॉर्म ही रहेगा। ओके तो ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा, इट मींस सिंस का यूज बीइंग आप कर रहे हो प्रीपोजिशन और एडवर्ब। अभी देखिएगा फॉर के लिए, फॉर के लिए सेंस भी यूज कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि आई डिड इट, मैंने यह किया फॉर यू आपके लिए, तो हिंदी क्या हो रही है फॉर यू आपके लिए। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट कहा इसमें यहां कि माई लाइफ मेरा जीवन इज है फॉर माई कंट्री, माई लाइफ इज फॉर माई कंट्री, मेरा जीवन मेरे देश के लिए है। जब कोई चीज हम किसी को ऑफर करते हैं, किसी को इट मीन्स वो चीज कंप्लीटली प्रोवाइड कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसके सेंस में फॉर के लिए के सेंस में यूज कर लेते हैं, प्रपोजिशन फॉर्म में यूज हो रहा है। जैसे इसमें और एग्जांपल ले सकते हो बहुत सारे आप कि दिस इज फॉर यू, दिस इज यह है फॉर यू आपके लिए। ओके तो फॉर के सेंस में है, के लिए के सेंस में यूज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको कंप्लीटली कॉन्सेप्ट फुली समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि इस दौरान आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई सस्पेंस, कोई इल्यूजन क्रिएट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उस चीज को, और कमेंट बॉक्स एक आपके लिए एक हेल्पफुल बॉक्स है जिसमें अपने आप डाउट शेयर कर सकते हो, और मैं उन डाउट्स को कोशिश करता हूँ कम्प्लीटली उन चीज़ों को सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, बहुत अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली इसको लाइक करना है, शेयर करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब के साइड में जो बटन है बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हर रोज आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे डिलाइटेड, कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉयिंग, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स गाइज एंड ऑडियंस। ओके।